महेश सिंह जी फौज में जाने की तैयारी करते हैं तो उनकी पत्नी प्रेम कौर उन्हें एक बात के माध्यम से क्या कहती है, ज्यादा वार्ता ना करते हुए आइए सुने जरा। हाँ। कहने लगी, हेरा फौज में जाके भूल ना जाइए, क्या तू अपनी प्रेम कोर ने और कहने लगी पिया जी रो रो के डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं पहली बात के माध्यम से प्रेम कौर के कहने लगी तेरे बिना पिया इस घर में क्या दिखे घोरिया तेरा काम परुणी में तेरे चकोरी सुनी सपने हो सबेरा रही ठान पे दूध बछेरी किते जासे छोड़ बछेरा हो रही ठान पे दूध बछेरी जासे छोड़ बछेरा रही ठान पे दूध बछेरी जासे छोड़ बछेरा फिक्का पड़ गया चेहरा मेरा फिक्का पड़ गया खेतों में भी काम होता है, खेतों में भी जाना पड़ता है, लेकिन खेतों में कैसे कैसे आदमी मिलते हैं, कैसे कैसे बदमाश मिलते हैं, पलक तो मार ले देखे जा रहा है कितनी ऐसे ऐसे ऊत मिलेंगी, ऐसे ऐसे ऊत, इनसे मैं अपना गात कैसे बचाऊंगी। दूसरी बात के माध्यम से जीवती जब तक पानी दाना हो
बड़े ही आदरणीय छोटू प्रधान जी जेवर गोठनी से 201 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए प्रेमी सजनों। और भाई फौजदार जी हैं, दांत लोटी से 100 रुपया देते हैं। आदरणीय श्री जीतपाल प्रधान जी तिलकागढ़ी, उन्होंने भी 100 रुपए से मान सम्मान किया है। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबी चमके से जनु बिजली गाने पावरे की गुलाबी चमके से जनु बिजली पूरे कोर की गुलाबी चमके से जनु बिजली पूरे कोर की कठपुतली की दरिया ना छो कठपुतली की दरिया ना छो गिला बेच कटोर फौजी कितने हैं जरा एक बार हाथ उठा के बताओ जो फौजी है पूरे गांव में फौजी अकेला ही कमांडर है वो नहीं यहाँ फौजी तो मैं ही गिनवा दूंगा तू बता तेरा मतलब क्या है हाथ खड़े करवाने का मैं देखना चाहती हूँ कितने फौजी हैं यहाँ पे देख के छोरा बारे देखने आए करें तू देख लो रुपया धेली देती हो तो बता जमाना मॉडर्न चल रहा है अब लड़की देखेगी छोरे ने हाँ तो छोरा तो दिखा देंगे हामी तो भरे हाँ यहीं के नहीं हामी तो भरूंगी पहले छोरा तो दिखाओ तू जा पे हाथ धर देगी वही फौजी है अच्छा जा पे भी हाथ रख तू वही फौजी हाँ देखो उसे कैसे तुम दोनों बहनिया मारोगी या नजर लग जाएगी या कमाई मत देखो तुम न्यू कह रहा है तू हाथ मुझ पर ही धर दे एक बात बताओ इसकी शादी हो रही है या रंडवा है अभी या कि शादी होती थी त्यारे इधर चक्कर काट तो तुम अपने आप ही अंदाजा लगा ले यूं कहा करते हैं सुन हाँ जी ये दांत लौटी से फौजदार साहब हैं ये फिर 100 रुपया दे रहे हैं और हमारे साथी कुछ पलवल से चल के आए हैं वो भी 100 रुपया दे रहे हैं बार बार धन्यवाद इनके लिए कहूंगी कुछ बात ठीक है लेखन चहर ऐंच वाला ये तेरे भैया है बैस या मच्छर है और कहना है क्या फिर दे रहे 100 रुपया मुझको कहने लगी सुन हाँ कितनी बार उछली है तू बोल गंजे बोल क्या बोलना चाहता है अभी तो इतने काम चलाऊ हैं भी ऐसो भी गंजो मत कह ये भी उड़ जाएंगे तू मेरी बात को जवाब दे पहले हाँ कितनी बार उछली है 21 बार 21 बार हाँ यू मंदिर का एक है राधा कृष्ण को भाई कृष्ण जी महाराज हाँ मेरी और कोई पुकार सुनियो या मत सुनियो पर हे भगवान श्री कृष्ण
ये छोरी 21 बार उछली है, माया पे 21 ही छोरा हूं जो भगवान का। 21 छोरा पे तो मैं बचूंगी भी नहीं, मर जाऊंगी। 2 साल के गैप तो हम 42 साल बालक होंगे लगातार 42 साल, यानी कि 42 और कम से कम 30 72 साल तक काम चलता ही रहेगा जी। हाँ जी हाँ करती चालूंगी जनो फौजी को रंग रूप प्रिया, तेरे बिना मैं क्यों कर जियू कैसे भरू सबर के घूट प्रिया, मेहर सिंह तू भूल ना जाइए, अपनी चित चोर जोरदार ताली।